झोपड़पट्टी का साथ, गरीब रईस का साथ, मिडिल क्लास व्यापारियों का साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का साथ, इसे कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास। साहेब जरा सोचिए, दिल्ली में जो जीता उसका असर देश में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे देश में एक खुशी की लहर है, क्यों? ये सोचने का विषय है। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के बारे में। दोस्तों आज दिल्ली जीत गई, नफरत हार गई। नफरत पर आज काम की राजनीति ज्यादा प्रभावी रही है और जनता भी यही चाहती थी और शायद हनुमान जी भी यही चाहते थे। दोस्तों बीते एक महीने में जनता के बीच इतना जहर घोला गया, जहरीली राजनीति की गई, जहरीली बयानबाजी होती रही, इसे कह सकते हैं कि नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही, आतंकवादी, ये सब शब्दों से उन्हें नवाजा गया। लेकिन अगर वो आतंकवादी होते तो क्या संविधान के तहत एक आतंकवादी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? ये सवाल तो उठते हैं। क्या वो आतंकवादी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में कमिश्नर के पद पर रह सकता है? ये तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठते हैं, जिसके चलते चुनाव आयोग ने भी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों पर बैन भी लगाया। जहां एक ओर नफरत की राजनीति में शाहीन बाग मुद्दा रहा, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए जमीनी मुद्दे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहे, जिसमें फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग और शाहीन बाग का मुद्दे को उठाती रही। शायद भारतीय जनता पार्टी ये भूल गई कि लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्रालय के अंदर आता है। दोस्तों आपको बता दें कि इन नतीजों के दो स्पष्ट संदेश हैं। पहला, जिन 10 सीटों पर CAA के विरोध में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हुए वे सभी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। और दूसरा, सिर्फ स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे हैं, जिसमें फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, पानी, ये इसका मास्टर स्ट्रोक रहा है। दोस्तों 8 महीने पहले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे, लेकिन अब 3 गुना ज्यादा वोट लेकर 62 सीटें जीत गई है आम आदमी पार्टी। जी हाँ, 16 फरवरी को रामलीला मैदान में दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। दोस्तों अब हम आपको लिए चलते हैं उस एक महीने की राजनीति के दौरान जहां जो मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा। दोस्तों बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली से कहा कि शाहीन बाग का जो असर है क्या पड़ेगा। ये शाहीन बाग एक संयोग नहीं, एक प्रयोग है। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं बात करना चाहूंगा संयोग के बारे में। शाहीन बाग वाली जो ओखला विधानसभा सीट है, वहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे अमानतुल्लाह खान, जो मौजूदा विधायक हैं और जनता ने उन्हें दोबारा फिर से अपना विधायक चुना है, वो भी एक बड़े मार्जिन के साथ जीते हैं। जी हाँ, 71,600 वोटों से अमानतुल्लाह खान ओखला विधानसभा सीट से विजयी हुए हैं। ये दिल्ली के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। अब बात करते हैं प्रयोग के बारे में। जिन 6 सीटों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गोली मारो के नारे लगवाए, वे सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। जी हाँ, ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयोग नहीं प्रयोग, जिसका असर पूरी विधानसभा चुनाव के ऊपर पड़ा। दोस्तों आपको साथ साथ बताते चलें कि मोदी और अमित शाह ने 49 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, जिसमें से महज 5 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। वहीं इस बीच भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता अनिल विज का बयान आता है कि आज मुद्दे हार गए और मुफ्तखोरी जीत गई। दोस्तों बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 66 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहीं उसके 63 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। दोस्तों अब मैं बात करना चाहूंगा भाजपा के दिल्ली के वोटर के बारे में, जो उनके सदस्य हैं। चुनाव से पहले तक भाजपा कहती रही कि दिल्ली में उसके 62.28 लाख सदस्य हैं, यानी भाजपा के आधे सदस्यों ने भी आपको वोट दिए हैं। इसी तरह कांग्रेस भी दिल्ली में 7 लाख सदस्य होने का दावा पेश करती रही है, लेकिन वोट उसे भी सिर्फ 3.95 लाख ही मिले हैं, यानी उसे भी अपने सदस्यों के लगभग आधे वोट ही मिले हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे चुनाव में किस तरह की राजनीति हुई।
दोस्तों अरविंद केजरीवाल को हर संभव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोशिश की गई कि वो उन्हें अपने चक्रव्यूह में फंसा सके, लेकिन ध्रुवीकरण की हर चाल को भांप कर अरविंद केजरीवाल ने उल्टा भाजपा को ही घेर लिया, लेकिन मोदी पर किसी भी प्रकार का कोई निशाना नहीं साधा। भाजपा ने शाहीनबाग पर केजरीवाल को एंटी नेशनल बताया तो उन्होंने रास्ता खुलवाने की जिम्मेदारी अमित शाह पर ही डाल दी। आतंकवादी कहे जाने के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता हूँ। मुसलमानों का करीबी दिखाने की कोशिश हुई तो हनुमान चालीसा गाने लगे। पाकिस्तानी मंत्री ने भाजपा को हराने का ट्वीट किया तो तुरंत जवाब दिया, दखल बर्दाश्त नहीं होगा, मोदी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह पर नारे होल्डिंग बदल दिए, मोदी पर हमला नहीं किया, ध्रुवीकरण रोके रखा, बिजली पानी जैसे मुद्दों पर ही 68 सीटों पर रोड शो किए। जी हाँ दोस्तों, जबकि भाजपा ने 240 सांसद, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और 75 मंत्रियों को इस चुनाव प्रचार के लिए बोला। दोस्तों भाजपा की हार का एक सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि भाजपा ने कोई सीएम चेहरा घोषित नहीं किया, न ही विकास का विजन दिया। पूरे प्रचार में स्थानीय मुद्दे छोड़कर राष्ट्रवाद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द इनकी राजनीति घूमती रही। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ रही है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में बिहार के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर नया पोस्टर लगा जिसमें लिखा, राष्ट्र निर्माण के लिए आपसे जुड़े केजरीवाल एक बार फिर आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे। बिहार में इसी साल चुनाव है, आपके रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस के भी नजदीकी हैं। वहां कांग्रेस आरजेडी के साथ पूरा विपक्ष एकजुट हो सकता है। दोस्तों इस पूरे चुनाव में हनुमान जी की खूब चर्चा हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम का नारा लगा, वहीं आम आदमी पार्टी ने जय हनुमान का नारा लगाया। इससे तो यही लगता है दोस्तों कि आज हनुमान जी ने आम आदमी पार्टी का खूब साथ दिया है। दोस्तों इस चीज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आज भारत में एक नई राजनीति का उदय हुआ है, एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से निकल कर आई आज लोगों के दिलों पर राज कर रही है सिर्फ अपने काम की नीतियों की वजह से। और होना भी यही चाहिए दोस्तों, अगर जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना है तो आपको जनता के लिए काम करना चाहिए, तभी जनता आपको अपने सराखों पर बिठा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ दोस्तों पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे ज्ञान ज्योति दर्पण के पेज को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं एक ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।